आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। नगर निकाय चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी, 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, वहीं 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। 13 मई को आखिरकार पता चल जाएगा कि कौन है नगर का बादशाह। इसी बीच चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी जनता के बीच जाकर उनसे उनका समर्थन ले रहे हैं। कोई भी पार्टी जो है अपना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रचार प्रसार को लेकर ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं भी की जा रही हैं, रैलियां भी की जा रही हैं। राजनीतिक दल चुनाव में हैं और इसी बीच प्राइम टीवी के टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ आज नगर संग्राम में आजम अली जो कि सभासद प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 11 मोहल्ला इमामबाड़ा से चुनावी मैदान में हैं, हमारे साथ जुड़े हैं नगर संग्राम में। आजम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आजम जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आजम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके राजनीतिक सफर के बारे में, कैसा है, कैसा रहा अभी तक आपका राजनीतिक सफर? बहुत अच्छा रहा जी। आजम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो देख रहे हैं? पहले बहुत प्रमुख समस्या थी, इस वक्त प्रमुख समस्या खत्म हो गई। प्रमुख समस्या दो ही तीन से बची हुई है, जैसे खुला बीम हो जाता है, एक पार्क हो जाता, बाकी तो सारे काम इस वक्त हो ही चुके हैं। जो पार्के बची है वो भी हो जाएंगी, लगी हुई थी लेकिन हो नहीं पाई किन्हीं कारणों की वजह से, पास भी हो गया था। आजम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि राजनीति क्षेत्र में आप अपना मार्गदर्शक किसको मानते हैं? मान तो सबसे बड़ों को मानते हैं जी, बड़ों को मानते हैं, जो हमारे परिवार है बड़ों को मानते हैं। आजम जी, देश प्रदेश में तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने को क्यों सोचा? लोगों का जन सलाह है, लोगों का प्यार है, लोगों ने कहा निर्दलीय दो, अगली बार भी निर्दलीय दल थे, अगली बार भी निर्दलीय दल। जनता के बीच आप जा रहे हैं तो कौन कौन सी जनता जो समस्याएं अपनी बता रही है, कौन कौन सी बड़ी समस्याएं आपको नजर आ रही हैं? जनता ने 5 साल का मौका दिया था, जनता का जितना काम था हो गया, थोड़ा सा बहुत काम बचा हुआ, आने वाले दिन में वो भी हो जाएगा जी। आजम जी, आप राजनीतिक सफर में हैं तो आप बताइए कि अभी तक आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया है राजनीति में? चुनौतियां तो बहुत आती है, लेकिन जो पब्लिक है यही चुनौतियां बनती है, यही सब कुछ करती है, बाकी तो हम क्या, जनता जो चाहेगी वही करेगी। जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का सहयोग है, इससे बड़ी बात कोई छोड़ ही नहीं सकती। जनता का समर्थन मिलता है, जनता का सहयोग आपके साथ मिलता है, तो आप कौन से ऐसे प्रमुख काम है जो आप कराना चाहेंगे? सबसे पहले आप किस काम को प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता यही थी कि कुछ शिक्षक बच्चे जो है वो हमारे यहाँ के पढ़ लिख ले, एक कंपोजिट विद्यालय हमने उसको बनी। आप अगर कभी देखिएगा तो हो सकता है कौन से 27 वर्ष में ऐसा विद्यालय मिलेगा नहीं आपको, इतनी खूबसूरत विद्यालय हमने बनवाई है, उसमें कम से कम 400-500 बच्चे भी पढ़ते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है। आजम जी, सबसे बड़ी बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो केंद्र सरकार देती है गरीबों के लिए, असहायों के लिए, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, तो आप क्या जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? हमने यहाँ तो कम से कम 125 आवास लोगों को दिलाया है, निःशुल्क दिलाया है, लोगों का मकान बना हुआ भी है और विधवा पेंशन है, 8 साला है, जो भी सुविधा सरकार की होती है उन तक पहुंचती है, उसमें मलकल का हिस्सा रखा है हमारा। आजम जी, आप चुनावी मैदान में हैं, अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? तो प्रतिद्वंदी है ही नहीं, जो जनता खुद ही लड़ रही है तो उसमें प्रतिद्वंदी बचता ही नहीं कोई।
क्योंकि आवाम जो खुद कर रही तब उसने कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल तो था जो गुजरा है उन्होंने देखा और उसी पे वोट मिल रहा है। आजम जी, युवाओं के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? युवाओं के लिए भाई अच्छी भविष्य है, अच्छा प्रोफाइल लिख के अच्छा कुछ कार्य करे, हमारा भी नाम हो कि हाँ ये युवा साथ थे तो इसके माध्यम से कुछ बढ़े आगे बच्चे। महिलाओं और बेटियों की बात करें तो महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? महिला बेटी हमारी पढ़ लिखी है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि ठीक हो जाए, ताकि ये हो कि ओबीसी की वजह से इनको थोड़ा शिक्षित दूर रहता पड़ता रहता है, इसलिए आप जो है इन पर ज्यादा निगाह होती है कि पढ़ लिख के थोड़ा सा अपना कॉपरेट करें ताकि ये खुद का नहीं हो सके, अपना खुद एक स्टैंड ले सके। सभासद के आप प्रत्याशी हैं, आपका एजेंडा क्या है, जनता के बीच आप किस एजेंडे को लेकर जा रहे हैं? फिलहाल जनता के बीच में ऐसा कोई एजेंडा ही बचा नहीं जो उनको कुछ कहा जाए, बाकी जो कार्य बचे हैं उनको संपूर्ण कराया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर अभी कौन कौन सी क्या कुछ करना चाहेंगे आप स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर? स्वास्थ्य शिक्षा ठीक ही चल रहा है, कोई ऐसी उसमें अनुदान नहीं है कि उसको कुछ ज्यादा, जिसकी भी जरूरत होती है जल्दी जरूरत होती है, चाहे वो आधे घंटे का हो चाहे 10 घंटे का हो, चाहे जिस टाइम वो डाले उपस्थित रहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उनके साथ में खड़े रहे। आजम जी, जीतने के बाद ऐसे 3-4 काम आप हमें गिना दीजिए जो आप जनता के बीच में करना चाहेंगे। जैसे पार्क हमारे यहाँ नहीं है, जनता को एक पार्क मिल जाए अच्छा सा, खुला सा जिम मिल जाए ताकि बच्चे वहाँ थोड़ा सा जाके अपना थोड़ा सा काम कर ले। आजम जी, प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए और अपने समर्थकों के लिए? हम अपने समर्थकों और दर्शकों के लिए यही कहना चाहते हैं कि कम से कम उनसे जो भी वो विश्वास करे उनसे खड़ा उतरना चाहिए कोई भी हो प्रत्याशी। सड़क बिजली पानी एक बड़ी समस्या रहती है हर क्षेत्र में, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? 5 साल काल का जो सड़क थी एक हाथ सड़क पक्की होगी, अगर कोरोना ना होता तो वो भी निपट जाता, बाकी सड़क तो एक मोहल्ले में हलने से लोग बताते थे क्या गंदा मोहल्ला, लेकिन आज देखिए जिधर ज्यादा होगा कोई नहीं कह पाएगा कि गंदा है। आपको जनता का नेता कहा जाता है, आप जनता के बीच में जाते हैं, इस बार का समर्थन कैसे देख रहे हैं आप? इस बार जनता खुद ही लड़ रही, हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता खुद ही इतनी प्यार और मोहब्बत दे रही, जिसके घर एक बार जाओ दोबारा कहता भैया मत आइएगा, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा आप लिखना चाहेंगे? बेहतर हो यही सोचेंगे कि बेहतर बेहतर से बेहतर हो। आजम जी, फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे कि मीडिया एक सशक्त माध्यम है, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? दर्शकों को यही कहना चाहते हैं कि मदद करें हमारी जो है, और इससे बेहतर भी करेंगे, इससे अच्छा कार्यकाल करके दिखाएंगे। आजम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नगर संग्राम में वार्ड नंबर 11 मोहल्ला से इमामबाड़ा से चुनावी मैदान में है आजम अली। गोंडा की जनता आजम अली को ज्यादा खास पसंद कर रही है, कोरोना महामारी में इन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा मदद की थी। तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी जो है जनता से समर्थन मांगने पहुंच रहे हैं, विकास कार्यों की गाथा बता रहे हैं, और इसी बीच गोंडा की जनता आजम अली को जो है समर्थन दे रही है, कोरोना महामारी में उन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी। आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस सरोकार।